हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम हमारा क्यों वीक होता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा कि इम्यून सिस्टम किन किन कारणों से वीक होता है और हम इसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके वीक होने के कारण क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं और कैसे इन बीमारियों से बचाव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए इस वीडियो को और पूरा इस वीडियो को देखिए, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे हम इन बीमारियों से बच सकेंगे और अपने इम्यून सिस्टम को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये जानेंगे कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम वह तंत्र है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का, जो कि हमारे बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया या अन्य पैरासाइट्स वगैरह से, जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, बॉडी में इंटर्स कर जाते हैं, उनसे बचाने के लिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। ये इम्यून सिस्टम कहलाता है। ये सबसे पहला एक, जैसे कि थायमस ग्लैंड की हम बात करें तो बच्चों में 5 ईयर्स तक के बच्चों में, 5 साल के बच्चों में थायमस ग्लैंड होती है और ये थायमस ग्लैंड बच्चों को इन्फेक्शन से बार बार इन्फेक्शन होते हैं, जैसे जुकाम होना, खांसी होना, निमोनिया होना बार बार, तो इसकी वजह से भी हम निमोनिया, जुकाम, खांसी से बच्चों को बचा सकते हैं। कैसे? अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो बार बार आपको रिकरेंट बीमारियां होंगी, जैसे कि निमोनिया हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया और दस्त लगना या फिर और भी उल्टी होना, ये सारी बीमारियां हैं जो कि लो इम्यून सिस्टम या वीक इम्यून सिस्टम की वजह से हो जाती हैं। तो ये देखिए, जैसे कि लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, हमारा जो बॉडी का ड्रेन होता है, लिम्फ जो ड्रेन होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा वेंस में जाता है। फिर देन जैसे कि थायमस ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी, उसके लिए इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। देन उसके बाद में लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन होती है, ये आपकी स्प्लीन है, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, आपकी लोअर लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इधर आपकी वॉन मैरो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये वॉन मैरो है, टॉन्सिल्स हैं आपके, सबसे ऊपर हम जा रहे हैं तो टॉन्सिल्स हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम की वजह से वीक हो जाते हैं कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों में क्यों बीमारियाँ जल्दी जल्दी हो जाती हैं। देखिए, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उसकी वजह से जो मैंने आपको अभी बीमारियाँ बताई वो बहुत ही जल्दी होती हैं, रिकरेंट होती हैं। अब हम इसको कैसे बचाव कर सकते हैं या ये सिस्टम काम कैसे करता है, हमारी बॉडी में हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो काम कैसे करता है। जैसे कि एडेनोइड, टॉन्सिल्स, थायमस ग्लैंड, स्प्लीन, लिम्फ वेसल्स, वॉन मैरो या लिम्फ नोड्स, तो ये जो आपको ग्रीन कलर की जो पाइपलाइन जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है और इसी को हम इम्यून सिस्टम के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। आइए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये वर्क कैसे करता है। इम्यून रिस्पॉन्स, हम इसको बोलेंगे इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यून जो सिस्टम है, अगर बॉडी में, हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर एंटर कर जाता है तो हम उसको, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कैसे रिस्पॉन्स देगा, कैसे उससे फाइट करेगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्टेड, जैसे कि बॉडी में हमारे में बैक्टीरिया गया या इन्फेक्शन गया तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा या ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद सेल में जाएगा, सेल से थोड़ा सा कनेक्ट होगा, जैसे कि RBCs है, WBCs है और प्लेटलेट्स हैं, काफ़ी सारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, इनसे ये थोड़ा सा इनके कनेक्शन में कनेक्टेड होगा। तो जैसे ही सेल के पास में जाएगा ये, तो जो हमारे बॉडी में मैक्रोफेज हैं, तो मैक्रोफेज टी सेल्स, मैक्रोफेज टी सेल्स होते हैं,
जो कि टी सेल्स हमारे उस पर एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं, टी सेल्स पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इसको पहचानते हैं कि हमारी बॉडी में वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब टी सेल्स हमारे एक्टिव होंगे किसके अगेंस्ट, जो बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर गया, एंटर किया, उसके खिलाफ हमारे जो टी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो एक एंटीजन निकालेंगे, MHC कॉम्प्लेक्स टाइप का वो एक एंटीजन निकालेंगे। तो ये एंटीजन क्या होते हैं, हमारे टी सेल से इसके ऊपर लगे होते हैं। तो एंटीजन जब उसमें से रिलीज होगा, मैक्रोफेज रिलीज करेगा, तो ये हमारे फाइट करेंगे, यानी कि माइटोसिस होगा। माइटोसिस यानी कि डिवाइडेशन, जैसे कि सेल्स एक दूसरे में डिवाइड होती जाती है, जैसे कि एक एक से दो, दो से तीन, दो से तीन से चार, चार से पाँच, इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। तो ये माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद में जब ये साइटोकाइनेज या इन्फेक्टेड सेल जो है उसके पास में टी सेल्स जाएगा, जो टी सेल्स जब जाएगा तो ये सेल डेथ करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से सेल डेथ होने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है कि उसने सेल डेथ हुआ। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया वायरस अगर स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो हमारी बॉडी की सेल्स डेथ होने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं, लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से ये हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि हम इससे बचाव कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं इस इम्यून सिस्टम के द्वारा, हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, और क्या क्या लक्षण होते हैं जब इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है। तो आइए जाने इस वीडियो के द्वारा। देखिए, नंबर वन, बार बार आपको अगर निमोनिया हो सकता है, बार बार खांसी होना या साइनस होना या जुकाम होना, ठीक है। नंबर टू, टू में है जैसे कि कई रक्त विकार होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, या खून की कमी हो जाना, उस ये भी लो इम्यून सिस्टम की वजह से या वीक इम्यून सिस्टम की वजह से हो जाता है। तीसरा, शरीर का विकास रुक जाता है, जैसे कि हम खूब खा रहे हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं हो रहे हैं, या फिर हमारी भूख कम लगना है, इसमें ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, भूख भी नहीं लगती है, तो उसकी वजह से हम दुबले पतले हो जाते हैं। नंबर फोर, रोग प्रतिरोधक क्षमता होने, कमज़ोर होने की वजह से ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं, और डायबिटीज़ टाइप टू होने के भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। नंबर पाँच जो था, पेट खराब हो जाता है, हाजमा आपका सही नहीं रहता है, पैरों में ऐठन होने लगती है, भूख नहीं लगती, कभी कभी मितली भी हो जाती है कभी कभी, जैसे कि हमें वोमिटिंग या उल्टी नहीं होती लेकिन ऐसा मन करता है कि हमें उल्टी होने वाली है, इसको कहते हैं मितली आना। ठीक है फ्रेंड्स, दस्त भी लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, हमारा जो बॉडी के अंदर सेल्स गए, वो बॉडी के सेल्स जो बैक्टीरिया वायरस गया अंदर, उससे फाइट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और कभी कभी नंबर जो सेवन में आपको बता रहा हूँ, कान में संक्रमण हो जाता है, मेनिनजाइटिस हो जाती है लो वीक इम्यून सिस्टम की वजह से, शरीर के आंतरिक अवयव जैसे होते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लो इम्यून सिस्टम या वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब कैसे रखें इसका हम ध्यान, या हम इसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो आप बिल्कुल सटीक और बिल्कुल छोटे शब्दों में आपको उत्तर देने वाला हूँ दोस्तों, सुनिए इसको आगे। नंबर वन, हम इसको कैसे मजबूत या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो नंबर वन, पहला जो नंबर वन है, सबसे पहला जो साफ़ सफाई का आपको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, दूसरा
सुबह और रात को सोने से पहले टूथब्रश ज़रूर करें। क्या होता है फ्रेंड, जब हम टूथब्रश नहीं करते हैं तो हमारे माउथ में बैक्टीरियास होते हैं, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम में चले जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन पैदा करते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी बहुत दिक्कत आ जाती है। नंबर 3 जो मैं आपको बता रहा हूँ, खाने पीने का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और जैसे आप टॉयलेट जा रहे हैं या कभी लेटरिन गए हुए हैं तो उसके लौटने के तुरंत बाद बहुत अच्छे तरीके से हाथ धोएं। बच्चों को भी सिखाएं कि टॉयलेट जाने के बाद, बाथरूम जाने के बाद अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए। नंबर 4 आपको बता देता हूँ, ठीक से खाना खाएं। नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक से खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं। मैं फिर से बता रहा हूँ, हेल्दी खाना खाएं, स्पेशली बताने जा रहा हूँ। इस हेल्दी खाने से मतलब ये है कि आपको बादाम, काजू, छुआरे ऐसी चीज़ों से कोई ऐसा संबंध नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है, हेल्दी खाने से या हेल्दी डाइट या संतुलित आहार से मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा साफ सफाई रखें और हरी सब्जियों का सेवन करें, थोड़ा सा सलाद वगैरह है ये अपनी डाइट में ऐड करें फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 6 जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नींद का पर्याप्त न लेना। ये भी एक कारण होता है दोस्तों, आपको नींद प्रॉपर तरीके से नींद लेनी है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक हुआ है उसकी भरपाई हो सके, ठीक है। और नंबर 7 जो मैं आपको बता रहा हूँ, तनाव से दूर रहें, यानी कि टेंशन नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं लेना है आपको। तनाव से हो सके जितना दूर रहने की कोशिश करें, और तनाव से रहने का सबसे अच्छा उपाय होता है योग करना, योग और ध्यान करना। नंबर 8 जो मैं आपको बता रहा हूँ, मालिश, ध्यान और योग संतुलन प्रयोग पर निर्भर रहें, यानी कि जैसे कि इसका कहने का मतलब संतुलित आहार लेना है, योग करना है और ध्यान करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इन वीक इम्यून सिस्टम से बच सकते हैं और संक्रमित लोगों से भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें, जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, ठीक है, या जिन लोगों को जल्दी जल्दी बीमारियां, खांसी जुकाम हो जाता है, तो ऐसे लोगों से भी बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इससे बचाव कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अपने YouTube चैनल को और बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।